मेरा सभी सीनियर सिटीजन, सभी सीनियर पेंशनर्स को नमन, अभिनंदन, स्वागत। तो मेरे आदरणीय पेंशनर्स मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 15 अप्रैल हिमाचल दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर हिमाचल वासी, हिमाचल कर्मचारी यहां पर सरकारी बहुत ही उम्मीद लगा के बैठे हैं सरकार से, क्योंकि उनको यहां पर तोहफा मिल सकते हैं। और आपको बता दें, यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मचारी जॉब कर रहे थे उनके 2 वर्ष यहां पर पूरे हो गए और उनको उम्मीद है कि अब उनको यहां पर परमानेंट नौकरी दी जाएगी, उनका OPS लागू किया जाएगा, जिससे कि उनकी नौकरी पर मोहर लग जाएगी कि वो अब वहां पर एक तरीके से परमानेंट नौकरी के काबिल हो जाएंगे और उनकी नौकरी पर एक सरकारी मोहर लग सकती है। मित्रों, यहाँ पर हिमाचल सरकार के पहले बजट के पहले पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मानक संचालक प्रतिक्रिया OPS तैयार होगी। वित्त विभाग के अधिकारियों की टीम इसमें जुड़ गई है। वित्त विभाग छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान राज्य सरकार की ओर जारी OPS संबंधी अधिसूचना का अध्ययन कर रहा है और यहाँ पर ये अध्ययन जारी रहेगा। OPS वित्त मंत्रालय ने किया पैनल का गठन, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए देगा सुझाव। यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है। और मित्रों, आपको बता दें, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अभी तक 31% DA बना हुआ है और यहाँ पर 4.5 लाख एम्प्लॉयों को यहाँ पर अभी इंतज़ार है कि उनके DA में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ पर 15 अप्रैल को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाई जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पर इस खुशी के कारण झूम रहे हैं कि उनका यहाँ पर DA बढ़ाया जाएगा और इन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो मित्रों, यहाँ पर वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आप ऐसी ही सूचनाएँ पाते रहें। MP इलेक्शन, कांग्रेस विधायक OPS के समर्थन में ऐलान, कर्मचारियों की पेंशन शुरू होने तक करेंगे ये काम। यहाँ पर विधायक प्रदीप पाठक ने आपका जो ग्वालियर दक्षिण ऐप है यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम पर यहाँ पर एक सवाल पूछा गया और उसमें 93% से अधिक लोगों ने यहाँ पर कहा है कि OPS लागू होनी चाहिए, क्योंकि OPS ही व्यक्ति का यहाँ पर जीवन भर का यहाँ पर कमाई होता है। तो यहाँ पर जैसे आप पोस्टर देख रहे हैं कि NPS बंद करो, OPS लागू करो, NPS बंद करो, कल को काल बनाओ, कल को काल न बनाओ। मित्रों, यहाँ पर अगली खबर निकल के आ गई है कि यहाँ पर PMR राजस्थान गौरव सेनानी ने जंतर मंतर पर कह दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप नीचे और एक कमेंट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो मित्रों, यहाँ पर एक बार फिर धर्मेंद्र सिन्हा ने कहा है कि काले अंग्रेजों ने ORP का ऐसा फॉर्मूला बनाया है कि जिसकी मदद से ORP के 29,500 करोड़ का 80-90% यहाँ पर खुद खा गए हैं और जवान तरसते रह गए। मित्रों, यहाँ पर ये बहुत ही दुखद सूचना है आपको जो मुझे देनी पड़ रही है। मित्रों, यहाँ पर सेना में PMR होता है तो सरकार यह BRS शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही है? तो मित्रों, ऐसी वीडियो से आधार में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, 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 जय हिंद।